एक बार की बात है, एक बड़े से शहर में बड़ी सी गली में एक थी छोटी सी दुकान, मिठाई की दुकान। दुकान के मालिक का नाम था मावा मिठाई वाला। अब मावा हलवाई की दुकान पर बनती थी ढेरों मिठाइयाँ, गोल गोल जलेबी, गोल गोल पापड़ी, भूरा भूरा समोसा, गोल सी चकली, सफेद से रसगुल्ले। पर इन सब से ज्यादा बिकती थी तीन मिठाइयाँ, बेसन का लड्डू, सफेद सी बर्फी और काला काला गुलाब जामुन। अब जैसे इन तीनों को मालूम होना कि हमें लोग बहुत पसंद करते हैं, तो इनकी थी एक अजीब सी कहानी। तीनों एक दूसरे से खूब झगड़ते रहते, तीनों की नोक झोंक दिन भर चलती। लड्डू अक्सर बोलता, अरे मुझसे प्यारा दुनिया में कोई चीज है क्या? बर्फी भी कुछ कम ना थी अपना ढिंढोरा पीटने में, मुझसे ज्यादा चौरस और सफेद कभी कुछ देखा है क्या? अरे गुलाब जामुन भी कोई पीछे थोड़ा हटता, महमूद साहब का गाना गाते हुए अक्सर कहता, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। बस यूं ही दिन भर इनकी नोकझोंक और टकरार चलती रहती। और फिर एक दिन सुबह को हुआ कुछ ऐसे कि तीनों यानी कि लड्डू, गुलाब जामुन और बर्फी आ गए खूब गुस्से में और मानो कि एक जिद पर अड़ गए हों। चलो आज शर्त लगी, देखते हैं लोग किसे ज्यादा पसंद करते हैं, आज तो फैसला हो ही जाए। तीनों अपनी दलीलें पेश करने लगे। अरे उठा लो ढोलकी और ढोल, दुनिया में सबसे प्यारा है लड्डू गोल। बात तुमने करी एक तरफी, दुनिया में सबकी चहेती हूँ मैं सफेद बर्फी। अरे बंटी हो या रिया, प्रिया हो या चुनमुन, सबका फेवरेट हूँ मैं गुलाब जामुन। अब तीनों पड़े थे एक ही ट्रे में और कर रहे थे ऐसी बातें, उतने में ही दुकान पर आई नमिता आंटी और देखने लगी सारी मिठाइयाँ, क्या लूं क्या खरीदूं। तब उसकी नजर पड़ी बर्फी पर, और बर्फी पर जब उसकी नजर कुछ देर टिकी तो लड्डू मियां को आया गुस्सा, भयंकर सी शक्ल बनाकर लगे बर्फी को डराने। अब बर्फी तो डरी नहीं, पर डर गई नमिता आंटी। राम 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 राम, कैसी डरावनी मिठाई है, अगर लड्डू ऐसा है तो बर्फी भी जरूर ऐसी ही होगी। रहने दो मावा हलवाई, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी अजीब सी मिठाई। बस फिर क्या था, दिन भर लोग आए और उन तीनों की डरावनी शक्ल देखकर खाली हाथ ही मुड़ गए। अब पूरा दिन हलवाई की दुकान पर पड़े पड़े तीनों ऊबने लगे थे। मेरा दम घुट रहा है इस सफेद से खाने में, तो किसने कहा था ऐसी अजीब अजीब शक्ल बनाने को? क्या जी, सुबह से कोई व्यायाम कोई एक्सरसाइज भी नहीं हुई, बस थाल से चिपटी बैठी हूँ। तो कुछ देर बाद तीनों का माथा ठनका। लड्डू बोला, बात तो सही है भाई, आपस में झगड़ा करके फायदा तो किसी को नहीं हुआ, बस नुकसान ही हुआ। अरे अगर ना झगड़ते तो सभी बाहर की हवा खा रहे होते। चलो अब से झगड़ा खत्म, तुम भी अच्छे मैं भी बढ़िया, बस यही है कहना हमें, वदिया जी वदिया। बस फिर क्या था, मावा हलवाई के यहाँ फिर से भीड़ इकट्ठी होने लगी, जो भी आता खाली हाथ ना जाता। दुकान में आई एक प्यारी सी बच्ची जिसका नाम था आरुषि। आरुषि ने खरीदा एक मिठाई का डब्बा,
जिसमें थे कुछ लड्डू, कुछ बर्फी और कुछ गुलाब जामुन। तीनों को अपने बैग में डाल आरुषि निकली खुली हवा में। मिठाई के डब्बे से आई उछलने कूदने की आवाजें। अरे वाह, इतनी ऊंची इमारतें, क्या हरे भरे पेड़, गोल गोल पहिए वाली मोटर कार, चुक चुक करती पटरी पर मेट्रो की रेल। तीनों ने खूब मजे लूटे खुली हवा के। देखा बच्चों, मित्रता में, दोस्ती में कितना आनंद है। वैर दुश्मनी से मिलती है सिर्फ घुटन, चलन और चार दीवारी, और हाथ मिलाकर चलो तो मजे ही मजे।